सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा धान हो चुका है, और हम जो आपको बताए थे तो उस वक्त जो है वो सारा बीज जो है वो रोपा रहा था। लोग के सपोर्ट से हमारा जो है वो सब्सक्राइबर जो है वो 6 KG हो चुका है। समझ रहे हो ना, वो चीटा जो है वो पक चुका है और यहाँ पर से निकल चुका है। तो ये लगभग जो है वो 5-6 महीना जो इसके धरती के अंदर रहता है वो दिखाते हैं। और सामने देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है वो ईंटा रखा हुआ है यहाँ पर। और हालचाल बताए आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस, बहुत दिनों से जो है वो वीडियो नहीं बन रही थी, जिस कारण अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, जिस कारण से वीडियो नहीं बन रही थी। तो अब आएगा ब्लॉग कंटिन्यू, तो आप लोग बने रहे। निकल चुके हैं धूप में और सामने देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा किरण निकला हुआ है, फिर भी हम लोग निकल चुके हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग बने रहे, आज आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. हम लोग जाने वाले हैं चिमनी ताल और आपको नए नए व्यू दिखाएंगे। हमारा भाई जो निंजा S2R से आ रहा है, तो जैसे ही आएंगे हम लोग चलेंगे और आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहे। फाइनली हमारा भाई जो है निंजा S2R लेके आ चुका है और हम लोग जा रहे हैं चिमनी की तरफ, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो हमें जाना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं कि निंजा S2R ड्राइव कर रहे हैं, तो बने रहे वीडियो में। धान हो चुका है और हम जो आपको बताए थे तो उस वक्त जो है वो सारा बीज जो है वो रोपा रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा हो चुका है और यह जो है 1-2 महीना के अंदर में जो इसमें है फल आ जाएगा और धान भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग के सपोर्ट से हमारा जो है वो सब्सक्राइबर जो है वो 6 KG हो चुका है। समझ रहे हो ना, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो आप लोग के बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमेंट आ रहे थे कि आप क्यों नहीं ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये जो है 14वां दिन पर शायद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, जिसका नहीं ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, लेकिन अब आएगा कंटिन्यू वीडियो। तो चलिए आपको चिमनी, फाइनली हम लोग चिमनी तल आ चुके हैं और सामने देख सकते हैं चिमनी है, और तो चलिए हम आपको बताते हैं कितना अच्छा अच्छा व्यू है। चलिए गाइस, सामने देख सकते हैं जो अभी जो ईंटा जो है वो पकने के लिए यहाँ पर रखा गया है, और चलिए कुछ ईंटा जो है पक भी चुका है, दिखाते हैं आपको। वो ईंटा जो है वो पक कर यहाँ पर रखाया हुआ है, देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर जो है वो कुछ ईंटा जो है वो पक चुका है और यहाँ पर से निकल चुका है। तो ये लगभग जो है वो
पाँच छः महीना जो इसके धरती के अंदर रहता है और उसके बाद निकलता है, तभी जाकर हम लोगों के घर के पास ये जो है ईंटा पहुंचता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ईंटा रखाने से पहले कुछ ऐसा गड्ढा रहता है और इसमें जो है ऐसा ईंटा भरा जाता है और यहाँ पर जो है ऐसा जो है ऊपर से मिट्टी रख देता है, इसके अंदर कोयला रख देता है ताकि जो है ईंट जो है वो अच्छे से पक सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये जो है ईंटा जो है तैयार हो चुका है और कुछ दिनों में जो है ये निकल जाएगा ईंटा। और अभी कैसे बनता है ईंटा इसके बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी सामने देख सकते हैं कि अभी जो है सारा ही खाली है और ये जैसे ही ईंटा निकल जाएगा और यहाँ पर जो है ईंटा मेकिंग की शुरुआत हो जाएगी। और ये हम लोग के गांव का जो है वो भट्टी है, देख सकते हैं कितना बड़ा चिमनी है यहाँ पर। यार इसको तो मैं देखते ही रह गया यार, कितना मस्त नज़ारा यहाँ का आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर का, बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है और सामने सूर्य भी खूब अच्छा दिखाई पड़ रहा है और आसमान भी देख सकते हैं कैसे ब्लू ब्लू हो रखा है। तो सामने देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है और यहाँ जो है बहुत सारी ईंटें रखी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जो है यहाँ के मजदूर काम करते हैं और ईंट जो है यहाँ पर ढोआती है, तो चलिए दिखाते हैं। और सामने देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है वो ईंटा रखा हुआ है यहाँ पर और इधर भी है, और इधर जो है कुछ ईंटा जो है वो खराब हो चुका है जिस कारण इसे अलग जो है वो हटा दिया गया है, और इधर चुकनी भी है, बहुत सारा ईंटा जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है पकते पकते, सामने देख सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जो है ईंटा जो है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है वो मिट्टी की खुदाई की जाती है, उसके बाद उस मिट्टी को जो है वो जेसीबी से अच्छा से गूंदा जाता है और गूंदने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है। उसके बाद जो है मजदूर उस पर सूखे माटी मारकर और अच्छे से एक डिब्बा जो होता है जो आरके भी जो भी कंपनी हो उसका जो है उसमें लोगो बना रहता है और उसी में छपाई करते हैं और ऐसे काट के और जो है लाइन से रख देते हैं। अभी नहीं बन रही है जिस कारण हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बनने लगेगी तो उसका भी हम आपको वीडियो बनाकर दिखा देंगे। तो छपाई होने के बाद जो है वो उसको सूखने के लिए 5 से 6 दिन तक छोड़ दिया जाता है। जैसे ही सूख जाता है उसे आपको हम बताएं कि उसमें जो है गड्ढा रहता है उसमें लाइन से ही ईंटा को जो है वो बिछा कर रख दिया जाता है। उसके बाद ऊपर से गर्म कोयला रख दिया जाता है और उसे 5 से 6 महीना बाद निकाला जाता है और उसको मजदूरों जैसा जो है लाइन से लगा दिया जाता है, जैसे कि सामने देख सकते हैं। तो ये रहा कुछ ईंटों का जो हिस्टोरी जो कैसे बनता है हम आप लोगों को बताएं। देख सकते कि ये अमरूद का पेड़ है जो कि अभी ये फल जो है अभी कच्चा है लेकिन पक जाता है तो बहुत ही अच्छा मीठा मीठा लगता है ये फल खाने में और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है। देख सकते गाइस एक अमरूद तोड़ लिए है और खा के देखते इसको कैसा लगता है। तो चलिए तो फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।